हेलो गाइज, वेलकम टू टेक अमानत ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के जरूर दोस्तों आज मैं आप सभी को जो चीज़ बताने वाला हूं ना, रियली मैं आपको बड़े बड़े क्रिएटर इसके बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने एक दिन पहले जो है वीडियो बनाया था कि यूट्यूब एड चेंजेस करके कुछ अपडेट आया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, ठीक है दोस्तों। मैंने उसके बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके बाद भी हमारी वीडियो पर उतना व्यूज़ नहीं गया, लेकिन दूसरे बड़े यूट्यूबर ने जब उसके ऊपर वीडियो बनाया तो उसका भाई लाखों में व्यूज गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बीट क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसा सोचते होंगे कि उनके ज्यादा सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर बेस बड़ा है, इस वजह से उनका ज्यादा व्यूज आता है। तो आखिर दोस्तों हमारा जो चैनल है तो सब्सक्राइबर बेस पहले कम है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो सजेस्टेड में तो जाना चाहिए ना, तो सजेस्टेड में क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर जो है वो एक वीडियो बनाता है, अगर आप सेम टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो उसके नीचे आपका वीडियो सजेस्टेड में आएगा, ठीक है। और दोस्तों उसके वीडियो को बीट करने के लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा, अगर आप एक काम कर लेते हैं तो आप उसके वीडियो को बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों बीट करने के लिए क्या आपको करना है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे YouTube ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाए। अभी साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया थंबनेल कैसे बनाए, अभी थंबनेल कैसे बनाए यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटर सर्च का आपको वीडियो देखने के लिए लग रहा होगा, ठीक है, यानी कि प्रवीण भैया। तो क्रिएटर सर्च का जो वीडियो है दोस्तों, अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि यहाँ पे थंबनेल कैसे बनाए, तो मैंने भी एक वीडियो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद क्या है कि हमारे वीडियो पे उतना व्यूज नहीं जाएगा और उसके वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका ज़्यादा सब्सक्राइबर इसलिए जा रहा है। लेकिन उसके वीडियो को बीट करने के लिए मुझे दोस्तों बस एक काम करना है, तब जाकर क्या होगा कि उसके वीडियो के ऊपर हमारा वीडियो दिखाया जाएगा, यानी कि हमारा वीडियो रैंक किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए यही करना है कि उनका जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि 13 मिनट, 10 मिनट, 14 मिनट इस तरीके का वीडियो वो अपलोड करते बनाते हैं, और दोस्तों मैं कम का वीडियो बनाता हूँ। तो क्या होता है कि जब ऑडियंस लोग उसके वीडियो पर जितना ज़्यादा देर तक रुकते हैं उतना ज़्यादा वीडियो का रैंक ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि उसने 13 मिनट तक बनाया तो ऑडियंस कितना देर तक रुक जाते हैं, 6 से 7 मिनट 8 मिनट तो रुक ही जाते हैं। मैं बनाता हूँ 6 मिनट का 5 मिनट का, तो मेरे पास कितना रुकेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इस तरीके से रुकेंगे। तो मतलब ऑडियंस आपके जो वीडियो है उस पर जितना ज़्यादा देर से देर तक रुकेगी उतना ज़्यादा आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएगा, ठीक है। अभी दोस्तों उसने 13 मिनट का वीडियो बनाया ना, अगर मैं 15, 17, 20 मिनट का वीडियो बना देता हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरा व्यूज आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और दोस्तों उसके वीडियो को आप इस तरीके से बीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यही एक प्रोसेस है जो कि बड़े यूट्यूबर्स इस चीज़ को नहीं बताते। आप जितना ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे उतना ज़्यादा वीडियो का लेंथ बनाएंगे, उतना ज़्यादा लोग वॉच करेंगे, और जितना ज़्यादा टाइम तक आपके वीडियो पे कोई रुक रहा है तो उतना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन आपके वीडियो का बढ़ रहा है, और दोस्तों आपके वीडियो को रैंक कराया जाएगा। बस यही कारण है दोस्तों कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उनका वीडियो जो है वो आगे दिखता है, आगे नजर आता है। हम लोग कम टाइम के लिए बनाते हैं, इसलिए हम लोग का जो है मतलब या तो नॉलेज बोल लो या तो फिर अपलोड करने का प्रोसेस बोल लो उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, जिस वजह से कम टाइम का वीडियो बनाते हैं, कम लेंथ का वीडियो बनाते हैं, और दोस्तों हमारे वीडियो को उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आपको अपने वीडियो को बूस्ट करना है दोस्तों, और आपको किसी भी बड़े यूट्यूबर को कॉम्पीट करके उसको बीट करना है, तो आपको उससे ज़्यादा लेंथ का वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप उससे ज़्यादा लेंथ का वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कभी ना कभी आप जो है वो उसको बीट जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर एक लाइक देंगे, क्योंकि दोस्तों आपके हर एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।